सबसे पहले घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। हेलो जी, क्या हाल चाल आप लोगों के? गेट नेट वर्सेस कोविड-19, एग्जाम कैंसल्ड और ऑन टाइम, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। कोविड-19 को हम लोग झेलते हुए लगभग 2 साल निकाल चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को फेस किया था कि जो एग्ज़ाम की डेट्स दे दी गई थी उन दौरान एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई गेट का एग्ज़ाम तो हो गया लेकिन नेट का नहीं हुआ था। हालांकि उस टाइम में और इस टाइम में एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई थी वो थोड़ा सा रुक करके आई थी, लेकिन अभी जो थर्ड वेव चल रही है वो तो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी तेज है। तो अब सवाल ये है कि आज के इस करंट सिनेरियो में हमारे पास एग्ज़ाम्स को लेकर के क्या क्या ऑप्शन है। भाई पहला ऑप्शन तो ये है कि हो सकता है एग्ज़ाम ऑन टाइम हो, जो डेट दी गई हैं उन डेट को ही हो जाए, या फिर एग्ज़ाम डिले हो जाए, या फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। अब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनमें से क्या क्या होने वाला है, बट आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम ऑन टाइम है, डिलेड है या कैंसल्ड है? आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब बात है पहले ऑप्शन की, एग्ज़ाम ऑन टाइम। बड़े सारे क्वेश्चन मार्क के साथ है ये बात, क्योंकि अगर मैं आज के डाटा की बात करूं तो भाई देखिए अभी अभी हमारे पास ये थर्ड वेव उठना शुरू हुई है। अगर हम लोग पीछे वाली वेव्स के टाइम पीरियड को नोटिस भी करें तो हम लोग ये पाते हैं कि जब भी कभी वायरस का इन्फेक्शन बढ़ना शुरू होता है तो लगभग 1.5 महीने के आसपास का टाइम ले जाता है पीक उठने में और गिरने में। और अभी तो जस्ट हम लोग की शुरुआत ही है, तो अभी ये केसेस कितने और बढ़ेंगे, कितने दिन तक बढ़ेंगे, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। आज 14 जनवरी शाम के 9 बजे तक की बात करूं तो लगातार हमारे पास जगह जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सभी स्टेट ज़्यादा बढ़े हुए नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की दर भी बढ़ती जा रही है, कुछ जगह पर तो 30% तक पॉजिटिविटी रेट पहुँच चुका है। हालाँकि नंबर उतने तेज़ी से नहीं बढ़ रहे, बट इस यहाँ पे एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि बॉटलनेक है कि हम कितने टेस्ट करेंगे। देखिए साहब, आप एक भी टेस्ट मत कीजिए तो केसेस 0 रिपोर्ट होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड ख़त्म हो गया, हम लोग रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो अभी फ़िलहाल ये है कि हमारी रिपोर्टिंग कैपेसिटी जो है, हम ऑलरेडी उस रिपोर्टिंग कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं और हम लोग और ज़्यादा टेस्ट नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर सरकारें या तो टेस्ट के नंबर रिड्यूस कर रही हैं ऑलरेडी, या फिर जो टेस्ट के नंबर वो पिछले 1 महीने से करते आ रहे थे उतने नंबर कर रहे हैं। तो पॉजिटिविटी का रेट इंक्रीज़ होने के बावजूद भी नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि एक्सपेक्टेड ये है कि इस टाइम आज की तारीख में लगभग 10 लाख से लेके 15 लाख केसेस हर रोज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में ये डाटा आपको देखने को भी मिल जाए जब हम लोग 10 लाख सैंपल्स पर डे रिपोर्ट कर रहे हों पॉजिटिव केसेस के। तो ऐसे केस में एग्ज़ाम टाइम पर हो जाएगा, इसके चांस काफ़ी कम है। अब बचे हुए 2 ऑप्शन हैं, या तो एग्ज़ाम डिले हो सकता है या फिर एग्ज़ाम कैंसल्ड होगा। हालांकि इस बारे में अभी तक किसी भी एग्जामिनेशन वेबसाइट पर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिल जाएगी। दूसरी बात ये भी है ना कि कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी एक स्टेट में इन्फेक्शन केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कुछ स्टेट में ऑलरेडी काफ़ी बड़े लेवल पे केसेस आ रहे हैं तो कुछ पर बढ़ने शुरू हुए हैं। तो आने वाले 10 दिन या 15 दिन के अंदर सिनेरियो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम के साथ क्या होने वाला है। अब बात आती है कि जब ऐसा कन्फ्यूजन का टाइम हो तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है तो भाई पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, हमें अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग बीमारी ना पकड़ लें। दूसरी बात, हमें ये देख करके डीमोरलाइज नहीं होना कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, और ना ही हमें अपने आप को आलसी बनाना है कि एग्ज़ाम अभी आने वाला नहीं है तो बाद में तैयारी करेंगे। हम लोगों को अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहना चाहिए जैसे कि जो डेट हमें बताई गई थी उसी डेट को एग्ज़ाम होने वाला हो। अगर उस डेट को एग्ज़ाम हो गया तो हम प्रिपेयर थे, और अगर एग्ज़ाम नहीं भी हुआ तो जब हम लोग डेट के प्रेशर में आकर के प्रिपरेशन करते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं तो आगे जाकर के बहुत एडवांटेज देती है। तो इसलिए मेरी आपके लिए यही सलाह है कि अपनी तैयारी को बनाए रखिए, अपनी स्पीड को मेंटेन रखिए और खूब जी जान लगा करके अपने आने वाले एग्जाम के लिए बढ़िया से बढ़िया तैयारी कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक कीजिएगा, और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो घंटी के साथ,
इस वीडियो को शेयर करो अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो एग्जाम की तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। आप भी आई फ्लाई के साथ CSIR नेट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं। आई फ्लाई ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। चलिए फिर, फिलहाल तो मजे कीजिए एंड सेफ रहिए। बाय बाय।